सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। भाई टाइम हो चुका है कितना, आधा दिन जा चुका है ब्रो, 12:40। क्या कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूं वो सॉफ्टवेयर ना चल रहा है एडिटिंग का। तो काम ना चल रहा सॉफ्टवेयर, पीसी में पीसी ना चल रहा फाइनल कट प्रो की। अरे वो डाउनलोड कर दिया केक खाने को बनाया घर में, ऐसा शौक लगा रहा भाई साहब, खुशी हो रखी है। लेकिन ऐसा था कि आज का कुछ प्लान था बट वो प्लान कैंसिल हो चुका है। अब मैं एक चीज पूछ रहा था भाई साहब, मैं सुन मेरी बात, डिफेंडर मैं एक चीज करवा दूं, नया मॉडिफिकेशन करा दूं, मतलब कुछ हटके वापस सुनो। हाँ। साइड में लिखवा दो 4x4 एक्स स्पोर्ट्स नाइक का, ठीक आवा ना साइन। अभी चलेगा और बुम्मा वाली बिल्डिंग शीशे पे और अपना मोबाइल नंबर लिखवा दो, अज्जू और दक्ष की गड्डी। हां और नहीं चलेगा नहीं चले और कुछ तब भी सोच रहा हूं मैं यही कर लूं, लिखवा दो अज्जू दक्ष की गड्डी है। हां ना बालक नाम लिखवा देते हैं ना। हां निक्कू और क्या निक्कू की गड्डी केव करवावा मैं अभी, मैं पहले बताऊं फिर बताऊंगा तुझे। भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अज्जू भाई यार स्टूडियो टूर तो दिया ही नहीं, स्टूडियो टूर दे दो। मैं कहा भाई चलो आज स्टूडियो टूर दे देते हैं। तो तुम्हारा भाई आज एक एक चीज बता देगा कैसे भाई मैंने कैसे कनेक्शन किया हुआ है, सारा म्यूजिक सिस्टम सारा सराउंड में एक साथ कैसे चलता है। अगर आपके पास भी दो म्यूजिक सिस्टम और वो भी सराउंड है उसमें बताऊंगा उसको कैसे कनेक्शन करके आप दोनों के साथ चला सकते हो। तो फिलहाल कर लेते हैं फेस वॉश एंड लगा लेते हैं सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर जाना सनस्क्रीन के बिना नहीं जाना चाहिए भैया। अभी कर लेते हैं फेस वॉश, और फेस वॉश भाई देखो सबको पसंद है, हमारी स्किन क्लियर है, ग्लोइंग रहे, रेडिएंट रहे, इंक्लूडिंग मी। और वो भी हम चाहते हैं कि हमारी स्किन ना ग्लास की तरह शाइन करे लाइक कोरियन मॉडल्स। एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे साउथ एशिया में पीढ़ी दर पीढ़ी यूज होता आया है, वो है राइस। बट ये कोरियन कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई पहले के लोग ना राइस वाटर को अपने फेस पे लगाते थे जिससे उनकी स्किन क्लियर रहती थी, और उसी चीज को देखते हुए मामाअर्थ ने बनाया है राइस फेस वॉश। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है राइस एंड नाइसिनमाइड। राइस हमारी स्किन को क्लियर रखने में, ग्लोइंग करने में, जैसे हमारी स्किन ग्लास की तरह चमके वो हेल्प करता है, और साथ ही नाइसिनमाइड हमारी स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है एंड मिनिमाइज करता है ओपन पोर्स को। तो फेस वॉश मैंने कर लिया, फेस वॉश के बाद मैं यूज करूंगा मामाअर्थ का ये है राइस सनस्क्रीन जेल, जो कि आता है SPF 50 एंड PA ट्रिपल प्लस के साथ। अगर आप बाहर जा रहे हो तो भाई देखो सनस्क्रीन जरूरी है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड। और मैंने सनस्क्रीन यूज भी किया तो भाई फील भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाइट वेट और नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, और साथ ही उसके बाद आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि व्हाइट व्हाइट फेस हो रहा है, क्लियर लेयर बना लेता है आपकी स्किन पे। भाई मैंने एक चैलेंज लिया है जो कि है ग्लास स्किन रिफ्लेक्शन चैलेंज, मैं आपको भी दे रहा हूँ 7 to 10 days। ये फेस वॉश आप ऑर्डर कीजिए और रोज यूज करिए, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं डेली यूज कर रहा हूँ। तो भाई तुम्हारे भाई ने तो चैलेंज ले लिया है, तो तुम्हारा भाई दे रहा है तुमको ये चैलेंज, ग्लास स्किन रिफ्लेक्शन चैलेंज, वो भी 7 to 10 days का है। भाई करो चैलेंज और मुझे टैग करना जरूर। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके परचेस कर सकते हो। और बाकी आपको ये अमेजोन फ्लिपकार्ट और नायका पे इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियली वेबसाइट से इनको परचेस करते हो या कोई भी ऑर्डर परचेस करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो अज्जू 2023 तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियली वेबसाइट या ऐप से कोई भी ऑर्डर परचेस करते हो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं, जिसको आप ट्राई भी कर सकते हो। और मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 million ट्री को प्लांट करने का। तो चलो तो भाई अभी हम आपको दे देते हैं स्टूडियो टूर। भाई बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे अज्जू भाई स्टूडियो टूर दो, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके चीजें। वैसे थोड़ा सा खिंडा हुआ है भाई, भाई ये कुछ अपना सिस्टम है, आप सबने मेरी वीडियोस में देखा होगा भाई कि ये सारा म्यूजिक सिस्टम आप देखते रहते हो। ये जी बिल्कुल बेस ट्यूब लगी पड़ी है, नीचे सोनी का रखा है मुतु की 6.2 और भाई ये रखा है सैमसंग का 11.4.1। अब ये सारा म्यूजिक सिस्टम मैं आपको बता दूं कैसे कैसे चलता है, कैसे कैसे वर्क करता है। सबसे पहली चीज है मैं आपको दिखा दूं, पहले तो भाई एक स्पीकर लगा हुआ यहाँ पे, एक लगा हुआ यहाँ पे, एक लगा वहां पे, एक वो बेड के उस कोने में रखा है, एक लगाया ऊपर हुआ, ठीक है। और भाई एक फ्रंट पे रखा है वहां पे, एक इसको ने रखा है, ये बूफर दोनों नीचे रखे, ये दोनों बूफर बंद कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी पेंट कराया था इसमें, और देखो यहाँ पे आपको फोकस करता हूँ, ये देखो पूरी तिरेड़ आ गई यहाँ पे फिर दोबारा से, क्योंकि मैंने उस दिन बंद कर दिया सारा सिस्टम। फिर मगर भाई ये बहुत तगड़ा बजता है, अव्वल लेवल का बजता है जब इसको बजाता हूँ मैं। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ क्या चीज इसमें। ये है भाई पीसी, ये जो एरिया है ये आशु का एरिया, क्योंकि यहीं पे वो गेम करता है, गेम खेलता है या कुछ करता है, या मुझे कोई एडिटिंग करने कभी कभी बैठ के यहाँ पे कर लेता हूँ, अदरवाइज बेड तो है ही गया मेरे यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ जो मैंने इसमें रिनोवेशन कराया था क्या कराया था, कि आप अब एक चीज पे फोकस कर रहे होगे कि कैमरे पे कहीं भी लाइट नहीं पड़ रही है, देख रहे हो ना स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन आ रहा है किसी भी लाइट का, ये सबसे मेन चीज थी। क्योंकि जो पहले मेरी लाइट लगी थी वो क्या होता अगर ऑन कर देते तो रिफ्लेक्शन आता था स्क्रीन पे, इस वजह से मैंने ये लाइट चूज की। ये है भाई स्टूडियो लाइट, क्यों इसका जो फोकस होगा वो सीधा नीचे जाएगा, देखो
बिल्कुल नीचे जा रहा है, ना कि कैमरे पर है, ना मेरे फेस पे लग रहा है। अगर मैं बेड पे बैठ के देखता हूँ तो फेस पे लगता है, चाहे लाइट ऑन कर लूं मैं सारे कमरे की। ये है भाई पीसी जो हिमांशु आशु यूज करता है इसमें गेम, अभी पता नहीं कुछ डाउनलोड कर रहा है, लगा रखा है उसने कोई गेम प्ले डाउनलोड के लिए। बाकी ये भाई अपना यहाँ पे कैमरा भी रखता हूँ, बाकी ये रखा है अपना यहाँ पे सब ऊपर रखा है, यहाँ पे इसमें एफ भी रखा है। ये मेरे कल बैग लेके आया था क्योंकि मैं ट्रिप से गया था, ट्रिप से वापस आया तो मैंने आके सीधा ऐसे रख दिया, चार बजे रखे भाई। देखो स्टूडियो में आधी ज्यादा चीजें ना तो ये लोग खिंडा के रखते हैं, मैं तुम्हें बताऊं कितना ही क्लीन कर लूं बट वो चीजें थोड़े बहुत इधर उधर होती है, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है भाई 1100 वाट की एक जीबीएल की बेस ट्यूब यहाँ पे, एक बेस ट्यूब वहां पे है। ये भाई कम से कम मान लो 13-14 साल पुरानी बेस ट्यूब है, पर इनका जैसी आवाज ना अब जो नई आ रही है उनकी भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो। इसके अलावा बात कर लेते हैं, ये मैंने लिया था 2009 में, मुतुकी का जो म्यूजिक सिस्टम है अब आना ये बंद हो चुका है, उस टाइम आया था कुछ लगभग 60,000-70,000 के आसपास का ऐसा था, ठीक है। इसमें है एक सेंटर स्पीकर मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि ये नीचे था तो नीचे साउंड बार था, तो मैंने इस वजह से इसको वहां पे माउंट कर दिया, और इसके साथ के सारे जो स्पीकर वो मैंने माउंट कर दिया वहां पे, ठीक है, उनका सबका ना फेस ऐसे कर दिया। और ये स्पीकर जो सैमसंग के साथ आए थे ये मैंने बैठ के बिल्कुल टच में रख दिया, ये वायरलेस है, वो वायर वाले ये वायरलेस है, अभी जो आ रहे तो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब मैं इनको एक साथ कैसे प्ले करता हूं और एक साथ सारे सराउंड म्यूजिक सिस्टम कैसे चलता है, जैसे भाई हॉल से भी तगड़ी आवाज आती है, मैं आपको देखो इसके लिए सबसे पहले बहुत लोगों ने कमेंट्स करे थे कि जो है बताओ मुझे, ये है भाई ऑप्टिकल केबल, ऑप्टिकल के साउंड केबल आपको पता होगी ऑप्टिकल आती है, इसमें से मैंने क्या है तीन ऑप्टिकल के ये डिवाइडर मंगा रखे हैं, एक है ये एक है ये, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसको मैंने ऑप्टिकल से लेके यहाँ पे ले रखा, इसमें मैंने लगा रखा है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट ये चार्जर से, ठीक है। इसके अलावा इनपुट में यहाँ पे ये ले रखा, इसमें इनपुट है और इसमें आउटपुट है तीन, ये देखो इसमें तीन आउटपुट है और तीन आउटपुट से मैंने यहाँ से फिर सिंगल में ले रखा है, क्योंकि जब अगर मैं तीनों में अलग अलग लगा दूंगा तो आवाज़ डिले होती है, तो फिर ये वाला जो एलसीडी थी वो इसको ले नहीं पा रही थी, यहाँ से आउटपुट देखे मैंने फिर एक और ऑप्टिकल का ये मंगाया था कन्वर्टर, जिसमें सिंगल में से लेके मैंने डबल ले रखा है, क्योंकि अगर इसको मैं सीधा उसमें लगाता हूँ स्क्रीन में तो आवाज़ में ना कभी ये चलता है कभी वो चलता है, एक साथ दोनों ही चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने दोनों मंगा, और ये मैंने बाहर इसलिए निकाल रखा क्योंकि आप सबको दिखा सकूं। ये है सैमसंग का साउंड बार, इसका मैं भूल गया नाम कौन सा, 11.4.1 है, सर्च कर लेना मिल जाएगा आपको। इसके साथ इसमें कुछ 11 स्पीकर तो इसी में है सामने, और भाई तीन उसमें है, और इसका जो सबवूफर है वो रखा है यहाँ पे। इसके अलावा आ जाती है ये भाई, ये है इसका प्लेयर, ये है इसका बूफर सबवूफर प्लेयर, तो यहाँ से इसका बेस वेस सब कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें भाई इतने ऑप्शंस हैं इसमें, इस प्लेयर में इतने ऑप्शंस हैं, मतलब आज के इस वाले में भी नहीं हो जितने इसमें है, क्योंकि ये बहुत कम यूनिट आए थे और उस टाइम जब हद तक चढ़ गया था। और अब तुम देख रहे हो कि भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा वायर रखी हुई है ना इसके पीछे, मतलब अनगिनत। के बाद आ रही थी एलसीडी, मैंने अभी ये लेटेस्ट लिया, ये 70 इंचेस की स्क्रीन है, ये सैमसंग की है। इससे फायदा ये हो गया कि सैमसंग से डायरेक्ट कनेक्ट भी हो जाता है, इनकेस अगर हल्का म्यूजिक चाहिए तो इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, और अगर नीचे हैवी चाहिए तो फिर हैवी के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। ये है लेफ्ट स्पीकर राइट, ये दोनों सबवूफर जो इसके साथ आ रखे हैं मैंने बंद कर रखे हैं, क्यों, क्योंकि बेस जब ऊपर से आता है वो ज्यादा प्यारा लगता है, जो नीचे से आता है उतना अच्छा नहीं लगता, वो बूफर इसलिए हमने नीचे रखा हुआ है कि उसको ऊपर नहीं लगता, क्योंकि उसका बेस बहुत अच्छा आता है बेड तक या कोई सामने बैठता है तब। बारी आ जाती है भाई, ये मैंने इसके बाद फ्लोरिंग कराई थी, वुडन फ्लोरिंग, और ये मैंने ये थोड़े बहुत ये लगवाए थे, क्या बोलते हैं इनको, पैनल बोलते जो भी बोलते समझ जाओ तुम, ठीक है। सबसे मेन चीज है जो यहाँ पर रहता है ये हुक का, तो यहाँ रहता ही है और रहेगा ही। अब तुम देखो यहाँ से कैसा लुक आता है भाई पूरे स्टूडियो का, अगर मैं इसमें लाइट बंद कर दूँ तो भाई बहुत प्यार आता है। अब मैं आपको ना म्यूजिक सिस्टम सुनाऊंगा, इसमें आवाज करके दिखाऊंगा कि आपको शायद आपको पता लग जाए, थोड़ा बहुत आपको सराउंड आ जाए कि ऊपर से नीचे से सब कहीं से आवाज आएगी। अभी बस मैंने इनके माउंट मंगाए हैं क्योंकि यहाँ बेड पे रखे रहते हैं, ये अच्छा लगता है, बस इनके मैंने माउंट मंगाए हैं, वो मतलब 6-7 दिन दिखा रहा है अभी आने में, तो जब आ जाएंगे जब लगा दूंगा। बाकी एसी चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे भाई। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ सोते नहीं है, हम सिर्फ मूवी देखते हैं, एडिटिंग करते हैं या फिर गाने सुनते हैं, कुछ भी हो भाई। इसके अलावा मैंने ऊपर जो एट बना हुआ है उसमें एक एलईडी खराब हो रखी है, वो तो इग्नोर करता हूँ ना। और मैंने इस रूम में ना भाई हल्का सा डार्क रखा है, क्यों, क्योंकि जो पेंट मैंने डार्क करवाया जिससे लाइट की रिफ्लेक्शन ना आए और भाई आंखों पे भी ना लगे। अब देखो मैं सारी चीजें बंद कर देता हूँ। अब इस स्कोप के पीछे मैंने लाइट लगाई हुई है, स्क्रीन की लाइट ज्यादा ना लगे। अब मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, समझ गए हो तुम, कुछ और डाउट है तो वो बता देता हूँ। यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, ये सारा उनका काम है, ठीक है। जो खिंडा हुआ है वो आशु का है, ये मेरा है सेटअप। पंछी उड़ रहा है ना वहां से उड़ा है और ऐसे होते हुए बिल्कुल कान के ऊपर से, मतलब ऐसे गया है भाई। अब ये बारिश का सीन है,
शायद आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हो रहा होगा वो स्टीरियो रिकॉर्ड हो रहा होगा। देखो आपको ना ज्यादा थोड़ा समझ में नहीं आएगा जब तक आप यहाँ पे बैठ के एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना भाई, क्योंकि ये स्टीरियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है फोन अगर ये सराउंड में करता तो आपको समझ में आता, अगर आपके पास भी सराउंड सिस्टम होता। बट भाई लिटरली बताऊँ, मैंने कभी ऐसा म्यूजिक कभी हॉल में नहीं सुना जितना ये बना रहा है ना अभी फिलहाल। एक एक सेकंड की आवाज़, एक एक जो एक एक कहते ना, जैसे अगर पीछे से आवाज़ है तो पीछे से ही आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं है कि भाई सामने से भी आ रही है। और भाई स्क्रीन का जो फोकस है वो भी बहुत है, और ये अल्ट्रा 4K HD क्रिस्टल LED है, तो मतलब कमी नहीं है इसमें भी भाई। और भाई जब इसमें आयरन मैन देखते हैं या कोई भी ऐसी मूवी देखते हैं ना जिसमें मतलब हॉरर मूवी देख लेते हैं, तो भाई फटके हाथ में जाते हैं हमारी खुद की। बाकी इसका अगर पूरे सेटअप का खर्चा बताऊं मैं, बहुत मोटा है भाई, बहुत रुपये लगा, मतलब लगाए एकदम से नहीं पर धीरे धीरे लगाए, ऑलमोस्ट ना करते करते भी 10 लाख प्लस जाता है अगर इस पूरे सिस्टम को मैं काउंट करूँ पैसे लगाऊँ तो। कंस्ट्रक्शन छोड़ दो भाई, ये पूरा सेटअप है 10 लाख से ऊपर जाएगा ये। और बट भाई प्यारा बहुत है, मतलब मैं ना सही बताऊँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं मूवी देख लूँ, अगर मैं बैठूँ, मैं कभी फ्री होता हूँ रात में, मैं मूवी देखता हूँ मुझे मज़ा आता है यार सराउंड सिस्टम में सुनने में, मूवी देखने में। और आपको पता है भाई आजकल जितनी भी मूवीज़ आ रही है सारी सराउंड मार रही है, तो उनमें देखने में अलग ही मज़ा आता है भाई। OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी मूवीज़ है सारी भाई वो डॉल्बी डिजिटल साउंड्स के साथ है। फिर अगर म्यूज़िक की बात करूँ, मैं म्यूज़िक सुनाता हूँ आपको, बट वो शायद कॉपीराइट आ सकता है उस पर। आयरन मैन है एंड अब मैं बात कर लेते हैं गाने की, मैं गाने चला रहा था फिर मेरे एकदम से एंड गेम देखा, मैं एंड गेम चला देता हूँ। छोटी सी चीज़ें समझा देता हूँ सराउंड का क्या सिस्टम होता है, कि जैसे मान लो स्पीकर है वो है सेंटर स्पीकर से, जैसे दोनों वो सिर्फ आवाज़ होगी जो मतलब जो वॉइस होगी वो निकालेंगे, और भाई ये लेफ्ट राइट वाले होते हैं ये जो हैवी वाला जो ड्रम होते हैं उनको आवाज़ निकालेंगे, बेस का निकालेंगे, और जो मान लो जो छनकार वाली चीज़ होती है वो निकालते हैं ये स्पीकर छोटे वाले जितने भी हैं, तो उसको जो इकट्ठा करके जो म्यूजिक बनता है ना भाई बहुत तगड़ा बनता है। तो भाई ये डाउट अगर किसी के अंदर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तुम्हारा भाई बता देगा। बट हाँ अब ये जो सोनी का म्यूजिक सिस्टम है जो ये बंद हो चुका है ना, ये बहुत टाइम पहले बंद हो गया था, मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ यूनिट्स आए थे इसके तो किस्मत अच्छी थी हमारे हाथ लग गया था, और ये लगता भी अच्छा है देखने में, और भाई बजता है तो फाड़ बजता है। इसके अलावा अभी इसमें तो कुछ चीज़ें और ऐड करने की सोच रहा हूँ मैं, तो वो धीरे धीरे करके ऐड करेंगे बाकी। बट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मैं जो जयपुर कट उठाकर कैसे उठाकर है भैया, भाई पेट तो नहीं दिख रहा मेरा, दिख रहा हूँ भाई पेट तो कटा रही है, कुर्सी ऐसे ले रहे थे तो घोड़ा बैठे हो, घोड़ा ही तो हूँ मैं। किस मजा जयपुर में भाई यार, पब्लिक से मिल नहीं पाया यार पुलिस के चक्कर में, पुलिस तो हमेशा रहेगी भाई। IPS से बात कर ले तू, वो कह रहा भाई यहाँ दंगे हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। कटारे तुमने बात करी थी ना, फिर कटारे से बात करवा दे, तो भाई बता गए तो भाई ने बता देता पूरा सीन वगैरह, IPS आ रखे हैं जी, CM रूट है आपके, थोड़ा सा दंगे हो जाएंगे समझे करो, मतलब जिस टाइम हमारा मीटअप था ना उसके जस्ट बाद वो था CM का रूट। कोई ना कटारिया सीएम के बैठा देते हैं, गाड़ी लग रही है के साथ। बढ़िया अभी हम करवा लें, हम एक काम करें नंबर लगवा लें, नंबर नंबर प्लेट लगवानी है, नंबर लगवा लें हमें बढ़िया। पर एक गाड़ी और होनी चाहिए यार आपके पास, मेरे पास तो ना, अरे मैं तो ले आ रहा हूँ भाई कटारे उधर, रूबीकॉन दो कटारिया, ना ना मैं तो फॉर्च्यूनर लूंगा रूबीकॉन, अरे रूबीकॉन रूबीकॉन सारी अपने को डाल रहा हूँ और किसकी फॉर्च्यूनर, सही बात भाई अपने बाकी गाड़ी वाली मिलती रहे तो चलो मजाक में प्यार है तो डिफेंडर फॉर्च्यूनर M30-40 आई सब बढ़िया, कोई काम कर तू तार बेच दे हमारी चलान लग जा तेरी है वे। और अपने 10,000 रुपए महीने के लिए जाओ पर साफ भी कर दियो
तेरी बात तू हमें पैसे दे 10,000 रुपए मैं साफ कर दूंगा। मैं कभी भी साफ कर भाई, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। मैं भी छोटा भाई हूँ भाई। मैं जा भी छुट्टे जा रहे भी कपड़ा दे। झाड़ू पोछा लगाया घर में जाके बता भाई, वो भी कर देंगे। कंटपुरी में आने लोग सोचते क्या देख रहे हो, ये देख क्या देख रहे हो। कौन सा लगाओ रेस? ये तो जीतेंगे। कौन सी लॉन्च करता हूँ? चीटिंग कर दी, चीटिंग चीटिंग करता है तू भाई। मस्टैंग में हार जाए यार। कौन सी मस्टैंग? मस्टैंग का ट्रक की गैल करवा रहा। मस्टैंग ईवी वाला ईवी देख लो फिर। वह है तो ट्रक ही, ईवी वाले ट्रक है तेरे भाई। तो मस्टैंग पसंद आ रहा है?